राज मेंबर पीएचई एम्प्लाइज यूनाइटेड जम्मू प्रोविंस। आज हमारे धरने प्रदर्शन को पूरा एक साल हो गया, जो 22 जून 2022 को हमने अपने हक सचर मान सम्मान के लिए शुरू किया था। और ये चीज़ महसूस की थी कि हमारा रोज कोई ना साथी बगैर मेडिसिन के, बगैर इलाज के इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी जवान बीबी या वो साथी जो 30-35 साल इस डिपार्टमेंट को दे गया और 60 साल का घर गया, आज उसके बच्चे उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। ना सरकार उसको विधो ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ना वो किसी तरीके का। जो लोग हम जी रहे हैं, ना हम जी रहे हैं, हम जीते जी हम लोग मर रहे हैं, जिंदा लाशें हैं। तो हमने एक ही फैसला किया था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज नहीं तो कल नहीं, आज अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसके साथ साथ तमाम बीजेपी की लीडरशिप, क्योंकि बीजेपी की लीडर ये कहते हैं ये पुरानी सरकारों की देन है, तो हमने 2014 में आपके कहने पे, आपके मैनिफेस्टो पे तमाम डेली वेजरों ने 90% से ज़्यादा आपको वोट दी थी, इसलिए कि आप कभी जम्मू कश्मीर सत्ता में नहीं आए, आप केंद्र में फुल मेजॉरिटी में सत्ता में नहीं आए। आज आपको 9 साल हो गए, न केंद्र में भी आप हो और यहाँ भी आप हो। रोज आप ये मीडिया में कहते हो हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, बीजेपी ही करेगी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इस एक साल में हमारे 30-35 डेली वेजर या वो उनकी डेथ होगी बगैर इलाज के, या वो सुसाइड करके, इन कतलों का गुनाहगार कौन है, हमारा कसूर क्या है। इसलिए आज 25 एमएलए जो 2014 में जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जिताए थे, और 2 MP उनमें से जो एक MOS में मिनिस्टर हैं, उन सब की आज, क्योंकि वो जिंदा होते तो आज सड़कों में हमारे साथ होते। क्योंकि 2014 से पहले जम्मू में छोटा सा कोई वाक्य होता तमाम बीजेपी का लीडरशिप बाहर आती थी। आज एक साल से हम सड़कों पर, और सिर्फ सिर्फ सोशल मीडिया या जम्मू के चैनल हमें कवर कर रहे हैं, नेशनल मीडिया कोई कवर नहीं कर रहा, हजारों की संख्या में हम निकलते हैं। लेकिन क्या जाने कहां से उनको रोक है, या वो जैसे कहा जाए गोदी मीडिया है या कौन सा मीडिया जो हमारी खबर नहीं चलाता। हम सोशल मीडिया का शुक्रिया करते हैं, उसके साथ साथ 25 MLA और 2 MPOs की आज पहली पुण्यतिथि मनाई जाएगी, उनकी फोटो पे हार चला के, दिया जला के ये बताया जाएगा ये जिंदा नहीं है। अगर ये जिंदा होते तो हमारे 30-35 लोग मरते नहीं, और जो 60,000 परिवार आज एक साल से खजल नहीं होते। हमें 20-25 साल से तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों 2014 से पहले सबक इसलिए सिखाया कि वो हमें लिंगरान करते थे, आज इनको भी 9 साल होंगे, बख्शे ये भी जाएंगे। डेली वेजर के साथ जो बुरा करेगा वो रहेगा नहीं। और LG साहब, आप विकासपुर की छवि लेके यहाँ आए थे, और 11 नवंबर 2020 को आपने हमारे साथ वादा किया था कि हम DDC इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और होम मिनिस्टर साहब जो कल आ रहे हैं उनकी रैली का भी डट के विरोध किया जाएगा, वहाँ जाके ये पूछा जाएगा। आप लोकसभा में बार बार ये कहते हो हम नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं, कौन सा नया जम्मू कश्मीर जिसमें डेली वेजर एक साल से दरबदर हो रहा है, खजल हो रहा है। हम अपनी जायज मांगे मांग रहे हैं, रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं, 72 महीने का हमारा पेंडिंग है। दुनिया में ये पहला निज़ाम है, पहली एडमिनिस्ट्रेशन है कि काम करवा के 72 महीने से हमारा पैसा नहीं दे रही। और ये किस टाइम का है जब 70 साल से जम्मू में शोर किया जा रहा है कि जम्मू के साथ भेदभाव बीजेपी खत्म करेगी, और इनके टाइम का 14 के बाद का ये पेंडिंग मैक्सिमम है। तो आप बताइए हम किसको रोएं, ये बोलते हमें मत बोलो। भाई आप सत्ता में एम्प्लॉय हमेशा जो रूलिंग पार्टी का पार्टी है या रूलिंग पार्टी लीडर हैं उनको बोलता है, हमें अपोजिशन वालों के पास है क्या आज? लेकिन आज की डेट में हम लोग बड़े परेशान हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे बगैर पॉलिसी करने जाएंगे।